तो शायद नहीं हो सकेगा अभी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बना सकूँ उसमें स्टार्ट कर लें। लगता नहीं मुझे 8:30 बजे तक आज ऑफ करना, कुछ कुछ मंजन बेचना दूसरा इसके नीचे। इन चीज़ सकें क्या रखते हैं, मिलीमीटर ही रखते हैं, कोई मसा नहीं। और हमें आर्टबोर्ड कितने, 2, 3, 4, 5, 6 आर्टबोर्ड हमने स्टार्ट से ले लिया। लोगो आपके पास मौजूद है, लोगो को उठाया आपने यहाँ डाल दिया। एम्बेड आपको मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में ये क्या काम करता है। एम्बेड ये काम करेगा कि ये फाइल एक लिंक के तौर पर है, इलस्ट्रेटर का हिस्सा नहीं है। अगर आप कहीं और फाइल को लेके जाएंगे तो ये लोगो मिस कर जाएगा, लेकिन जब आप एम्बेड कर देंगे तो ये इस फाइल का हिस्सा बन जाएगा। और जब फाइल का हिस्सा बन गया तो ये आपके पास क्या हो गया, एक तरह से सेव हो गया। फिर हम आ जाते हैं अलाइन पे, इसको सेलेक्ट किया, अलाइन अलाइन टू आर्टबोर्ड, क्योंकि जब आपके पास कोई और रेफरेंस नहीं है तो आप आर्टबोर्ड के अलाइन करेंगे। और इसमें सिर्फ दो ही अलाइनमेंट आएंगे आपके पास, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये वर्टिकली भी सेंटर हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, लेकिन इसमें एक फड्डा है। ठीक है, तो इस फड्डे के लिए मैं क्या करूँगा, इस फड्डे के हर के लिए ये सिर्फ जितना कवर्ड एरिया है मुझे उतना ही चाहिए, ज़्यादा मंजन नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मैक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का काम ये है कि आपके पास एक शेप को, जो शेप जिस तरह का शेप बनाएंगे उसके अंदर में पीछे वाले कंटेंट को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है ना, इसकी एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एक एग्जांपल और दे देते हैं इसकी। तस्वीर ले ली मैंने, यहाँ से मैं आया, इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक। समझिए क्या काम किया इसने, समझ में आया ना, फर्क समझ में आ गया क्या काम किया, यही काम हमने किया। अच्छा, हम साथ में एक काम और करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसकी साइड जो है वो कैसी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम जिस क्लाइंट के मुताबिक काम कर रहे हैं उसका काम किस नोयत का है। इसका लोगो देख रहे हो, लोगो देख रहे हो, लेफ्ट अलाइन में होम पेज पर जाता है इसका। आपको क्लाइंट का तस्वीर और ये चीज इसलिए देखनी होती है ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि आप जो है वो डील जिससे करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बैकग्राउंड किस तरह का बनाना है या क्या चीज करनी है। अब यहाँ आता हूँ मैं, और यहाँ आके मैंने जैसे ठीक है, तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर ली डेस्कटॉप पे भेज दी, क्योंकि मैं इस वक्त सबसे पहले क्या बनाऊंगा, इसका टाइटल पेज। ठीक है जी, यहाँ तक ये मेरे पास सेव है,
اور اس پہ آ کے مجھے ایک کام کرنا ہے, شیپ لگاؤں گا میں اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے یہاں سے میں لگاؤں گا اوپیسٹی ماسک. اس کو لگانے سے پہلے میں ایک کام اور کرتا ہوں, اس کو یہاں سے میں اس کو ریلیز کرتا ہوں اور یہاں آ کے میں نے لگا دیا گریڈینٹ. آج سمجھو کچھ چیزیں زیادہ چل جائیں گی. گریڈینٹ کیا ہے یہ نیکسٹ کلاس میں میں ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا, فی الحال جو ہے وہ یہ کیا مائنس 90 سمجھے کیا ہوا, سمجھ میں آیا ہے ہوا کیا ہے؟ پہلے اس نے پورے کو کیا تھا اوپیسٹی ماسک, کیا کرتا ہے یہ جیسا گریڈینٹ تھا اس طرح کی اس کی اوپیسٹی کو جو ہے وہ جتنا ہضم کر سکو بچے آج اتنا ہضم کر لیں. ٹھیک ہے, یہ تو سمجھو مطلب ایک کہتے ہیں نا بلیسنگ بھی ہے اور ڈسگائز بھی ہے. یہ اس کو میں وائٹ ہی کرتا ہوں بلکہ اس کو میں کرواؤں گا آئی ڈروپر سے پک, اس کا والا کلر ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم بنائیں گے وہ اچھی بھی رہے گی. ہم ٹرائی اینڈ ایرر والا کام ہوتا ہے یہ سارا ڈیزائن کا کام, آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے, نہیں لگا رہتا ٹھیک ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. ہم اسی کی پٹیوں کے ساتھ کچھ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے, صرف پٹی لگانے کی بجائے تھوڑا سا آپ نے اس کے سائز کو چینج کیا کلر میں پیچھے کی جی ٹرانسفر ریفلیکٹ ریویو ٹرانسفر ریفلیکٹ, اس کو میں کرتا ہوں تھوڑا سا اوپر اس کو لگا دیا اور نیچے میں نے ایک پٹی لگا دی.
थोड़ा सा ऊपर करने का मार्जिन हमारे पास आ जाए। टेक्स्ट टूल लेंगे आप या लिख दिया इसे आपने, कंपनी प्रोफाइल सेलेक्ट अलाइन, ठीक है, और अलाइनमेंट में आके आप इसको सिलेक्शन पे कर दोगे, दोबारा आर्टबोर्ड हटा दोगे क्योंकि फिर आपके पास अलाइनमेंट सही बैठेगी वरना फड्डा करते रहेगी। फ़ॉन्ट की सिलेक्शन आपको बहुत ही तमीज़ी करनी पड़ेगी। कैरेक्टर पे आया मैं, उसको कैप्स कर दिया क्योंकि कंपनी प्रोफाइल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कभी भी स्मॉल वगैरह में नहीं लिखी जाती है, मेन जो हेडिंग्स होती है। फ़ॉन्ट आप इसको यूज़ करोगे जैसे हम यूज़ करते हैं, सकते हैं इसमें हमारे पास ग्यारह मोड लिया हमने इसे, ठीक है, ग्यारह मोड बोर्ड इसमें से देखेंगे सब कौन सा वाला अच्छा लगेगा, ठीक है। फोन चेंज होगा तो अलाइनमेंट बार बार डिस्टर्ब होगी, ये आपको सेट करनी पड़ेगी। इसका कलर को आप साइज का भी बड़ा, ताकि एक सेपरेशन भी हो जाए और एक चीज़ आपकी काम भी करे, ठीक है। एक चीज़ बन गई हमारे पास। अब आपके पास क्या चीज़ है, पैटर्न, पैटर्न चीज़ है आपके पास ये कंट्रोल जी पीछे फेंका, इसको आप कॉपी करते हुए जाओगे और इसको भी किया, इसको भी किया, सेम इसको भी है। थीम एक दफा आपको बनानी होती है, वंस यू मेक इट आपके पास चीजें जाए। अब आपको क्या करना है, अब आप आ जाओगे कंटेंट विभाग में, ठीक है, आपने ठीक है। टेक्स्ट जब भी कभी ऐसा हो तो आप एरिया बना के जो है उसको टाइप करेंगे, कभी भी आप इसको ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फॉन्ट हमारे पास ग्यारह मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ग्यारह मोड ही है, लेकिन अब हम इसका कौन सा यूज़ करेंगे, रेगुलर, और एडोब ग्यारह मोड का थोड़े से समय इसके साथ करना है। और दूसरी चीज़ जो हमारी बदतमीजी हुई है वो ये है कैप्स, ठीक है। इससे क्या होती है चीज़, आपका डिस्प्ले में बड़ा फ़र्क आता है, ठीक है। अब इसके साथ जो बदतमीजी सेट करनी है पहले आप वो सेट करोगे टेक्स्ट के साथ, और टेक्स्ट की स्पेलिंग वगैरह क्योंकि हम तो लाए ही उससे हैं, ठीक है, जर्नी और सर्विसेज सही लिखा हुआ, ये ठीक सेट है। हेडिंग का साइज आप एक डिसाइड कर लोगे और फिर थ्रू आउट डी जो है वो उसमें आप हेडिंग का साइज होगा, ऐसा हम सुनाते हैं, ये साइज रखा हमने। फ़ोन का साइज़ हमारे पास क्या है, इसका 12 है, हम इसको 12 ही रहने देते हैं, बट फ़ोन के साथ हमें कुछ गेम करनी है। इसमें आए लीडिंग स्पेस बिटवीन दी लाइंस, ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की उस चीज़ों की खूबसूरती को क्या कर देता है,
पढ़ा देता है, आप देखो किस पर अच्छा लग रहा है, इस पर अच्छा लग रहा है, ठीक है, इनफ। देन सेकेंड थिंग इज दैट ये एडजस्टमेंट सही नहीं होती, पैराग्राफ में आएंगे जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई कर देंगे, ये कॉर्नर से कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे इसके, दोनों सेम हो जाएंगे। पहले पढ़ने में आया था और अब पढ़ने में आया था फ़र्क आया ना, नीचे देख लो ऊपर देख लो, ठीक है, लाइन का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्लियर। इस पर आए, साइज क्या रखा था हमने, साइज इतनी जल्दी भूलोगे तो बेटा हो गया काम, सजा दो। और इसकी भी आप एडजस्टमेंट देखोगे क्या दी हुई आपने, ये दिया हुआ है कैरेक्टर में आओगे और कितनी दी हुई है 17, इसके साथ भी आप यही काम, इसका है कैरेक्टर 17, ठीक है, और ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, एक हार्मनी बन जाएगी। लेकिन आपको पता है कि अब इस पेज में सिर्फ इतना ही कंटेंट है, कितने कंटेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और किसी ने कुछ एलिमेंट या तो डालें डिज़ाइन का या कुछ और चीज़ सोचेंगे और उस हिसाब से आप डालेंगे इसमें, ठीक है, इस हम इसमें करते हैं, इससे जो है हाइपनेशन को आप ऑफ कर दो ताकि वो जो लाइन लगा देता है ना हाइपनेशन, वो वाला काम ना करे, ठीक है। फॉन्ट के साइज को, हेडिंग के साइज को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं और लाइकवाइज हम टेक्स्ट के साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 12 से करते हैं 15, ठीक है, है। अब इसमें अगर यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह या कुछ और चीज़ मिल जाती है ना तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इसमें जो है वो उसके हिसाब से लगा लेंगे। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें ये तस्वीर लगाई है ना, ऐसा ही कोई और बैकग्राउंड में हम देखें, तो फिर हम ढूंढते हैं ज़रा गूगल पे, ये जैसे ये है, ये चीज़ इस तरह की बनाना चाह रहा था मैं स्टार्ट में, कौन सा वाला ये टेढ़ा है, ठीक है। और इसके अंदर में भी वही उसूल कार फरमा है, तो हम आपको स्टार्ट से बताते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग नॉट अलाउड, हम
कलर को किया हमने ब्लैक में, तो ऑटोमेटिकली ये वो आपके पास क्या हो जाता है। लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी हम करेंगे ताकि जो है वो हमारे कंटेंट को पढ़ने के अंदर में ये पड़ा ना करे। आज समझ भाई, ठीक है, फॉन्ट आप और भी कोई देख सकते हो, ठीक है, ये समझो एक सैंपल के तौर पे एक बात चल रही है, बाकी वैसे तो खैर आप ठीक है। अगर हम चाहें कि हेडिंग का कलर को हम चेंज कर दें तो हेडिंग का कलर को हमने क्या कर दिया, वही कर दिया जो कंपनी का कलर है। टेक्स्ट को अगर आप समझते हो कि अगर 100% नहीं करना, ऐसा लाइट करने पर अच्छा लग रहा है तो आप वो कर दो, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो है ना प्योर ब्लैक कलर टेक्स्ट पढ़ने में मज़ा नहीं देता, तो समझ में आई ये बात या नहीं है? ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यही आएगी ना बेटा, सिलेक्शन ही मैं उतने से ही कर रहा हूँ ना। कुछ भी नहीं करना है, समझो एक डमी के तौर पर बता रहा हूँ, अब सिर्फ ये टेक्स्ट भी अगर लगाते जाओगे ऐसे, तो ये डिस्टेंस ख्याल करना है आपने कि जितना दे रहे हो ना वो सेम है, इसको रेफरेंस बनाओगे अलाइन, यहाँ पे कैसे लाओगे, यहाँ अलाइनमेंट का तरीका ये है कि बॉक्स बनाओगे, ठीक है, इधर से बनाया बॉक्स, सीधी सी बात है ये, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसको आप किया इसके साथ एडजस्ट, इसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे ही डमी के ऊपर कर दिया। सेम केस हियर, यहाँ से आएंगे इसको किया ये, थोड़ा भी तो टेंशन नहीं है, सेम केस टॉप के साथ, टॉप भी आपका अलाइन टॉप होना चाहिए, और ऊपर मैच कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, सही है, वहाँ तो ठीक है, यहाँ देख रहे हो खड्डा, खड्डे समझ रहे हो या नहीं, इसी को डुप्लीकेट किया, अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, अब इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, तीनों को सिलेक्ट किया, इस डब्बे को सिलेक्ट करूँगा, इसको रेफरेंस बनाया, ठीक है, एक ही काम के कई तरीके हैं शहजादे, होम पेज का कंटेंट उठा दिया था हमने, या बॉर्डर्स का कंटेंट है, हमने इसी को उठाना है, ठीक है, मैंने दोबारा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, वो काम करना पड़ेगा, कंटेंट को बैठाना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो थोड़ी सी मेहनत दूसरे तरीके से करो, ये नहीं यहाँ से, इस लाइन पाया, ये लाइन लिखी, इसको कट किया और पेस्ट किया, इसको यूज किया, अब विजन और मिशन जो है ना वो छोटी हेडिंग्स हो जाएंगी, यहाँ आपके पास चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इसको कॉपी किया आपने, क्लियर आपके पास लेंगे।
ओरिजिन वाला मटेरियल आ गया आपके पास। मिशन वाला मटेरियल आ गया आपके पास, इसको आपने किया मिशन, इसको किया ओरिजिन। बट इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ये अपनी जगह पर आई चीज। अब इस पॉइंट्स पर जो चीज़ है ना, इसको आप डिस्प्ले कराने के लिए बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको पॉइंट की सूरत में ही डिस्प्ले कराओ। ठीक है, इसको आपने यहाँ तक तो ये रखा, ठीक है, और यहाँ आके आपने टाइप कर, और इसका क्या लाइन सेंटर, बार समझा रहा हूँ मैं। अब डिपेंड आप पे करेगा कि आप उसको इससे भी बेहतर और किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हो। ये कलर कर लें या इस कलर कर लें, समझ रहे हो शेजारो या नहीं? यहाँ के आप कुछ और कर दोगे। ठीक है, अब ये राउंड इसमें अजीब लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी डिज़ाइन की थीम के अंदर में सब जगह पे क्या है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो पॉलीगॉन,
कंट्रोल जी। अलाइनमेंट का हर सूरत में ख्याल करना है, किसी तौर पे भी अलाइनमेंट की सेटिंग खराब नहीं। बोल तो नहीं हो रहे हैं सीधा दे आर कोर वेल्यूज अलग पेज बनेगा, आर कोर वेल्यूज अलग पेज बनेगा। अब इसमें फिर वही काम, इसको अब वही चाहो तो अलग अलग बॉक्सेस के शो पर शो करो या किसी तरह शो करो। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, फिलहाल मैं इसको एज इट इज रखा। यहाँ से मिल जाएगा प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, बहुत लंबा। ठीक है जी, बस रोक रहा हूँ। अच्छा ये बात या नहीं, ये मैंने एक थीम बनाई है, एक थीम आप लोग बनाएंगे और सेम यही कंटेंट उठाएंगे और ये मुझे बना के भेजेंगे दोनों कल तक। यस, ईमेल करोगे, शाबाश, क्लियर है? टेंशन नहीं बेटा, डिजाइन का थीम अपना होना। मैंने काम इसीलिए करके दिखाया कि देखो काम में करके दिखाता है, इसीलिए नहीं उन्होंने बोली। जब कभी भी कोई चीज़ बना के दिखाता है ना तो बंदा फिर उस बोलता है इसी को बनाना है, तो इससे मैं पसंद नहीं करता इस चीज़ को कि बनाया जाए। ठीक है, अभी जितनी भी चीज़ें ना ये सब जो बीच में मैंने ऐसे ऐसे करवा दिए चीज़ें आज।